वेलकम माय एक नए वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा एनिमल मूवी, यानी कि रणवीर कपूर की जो मूवी आई थी एनिमल, आज उसको पूरे 16 दिन हो चुके हैं सिनेमाघरों में लगे हुए। दोस्तों सिनेमाघरों में अभी तक फिल्म चली हुई है, क्योंकि इसलिए चली हुई है भाई साहब फिल्म सिनेमाघरों के अंदर गाइस, क्योंकि फिल्म अच्छा काम करके दे रही है भाई साहब, अच्छा कलेक्शन कर रही है, अच्छे पैसे कमा के दे रही है, लोग उसको देखना पसंद कर रहे हैं। लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच पांच बार जा रहे हैं सिनेमाघरों के अंदर एनिमल मूवी देखने के लिए गाइस। रणवीर कपूर की एक्टिंग ना जबरदस्त है भाई साहब। मुझे मतलब कि जब मैंने फिल्म देखी थी ना, जब फर्स्ट शो देखा था मैंने, फिर मैंने दूसरी बार फिल्म दोबारा देखी, मैंने दो बार फिल्म देखी है जी एनिमल। कई लोग तो तीन तीन बार, चार चार बार, पांच पांच बार एनिमल मूवी देखने गए होंगे। तो पूरे दिन हो चुके हैं 16। एनिमल मूवी 1 दिसंबर को रिलीज हुई थी सिनेमाघरों के अंदर, पूरे 16 दिन हो चुके हैं। आज है 17 तारीख, संडे है आज का दिन। पिछले कल की मैं बात करूंगा, 16 दिन का टोटल मैं आपको बताऊंगा अपने इंडिया के अंदर टोटल, ठीक है। टोटल मैं आपको बताऊं तो इस मूवी ने 1 तारीख से लेके 16 तक का कितना कलेक्शन किया आपको पता है? टोटल इस मूवी ने 800 करोड़ रुपया कवर कर लिया है पिछले कल से, ठीक है। आज का दिन मैं नहीं डाल रहा, आज तो संडे है, आज तो मतलब कि 800 से ऊपर ही हो जाएगा। मैं पिछले कल की बात कर रहा हूँ, सैटरडे की बात कर रहा हूँ, आप सैटरडे तक मान के चलिए, 16 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। आज का इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, संडे का भी वो डाल के अलग से बनाऊंगा, ठीक है। तो भाई साहब 16 दिन का जो कलेक्शन हुआ है उसका पूरा 800 करोड़। मुझे ऐसा लग रहा है भाई साहब, अगर ये फिल्म 2 या 3 दिन और चली या फिर 1 हफ्ता और चली तो शाहरुख खान की फिल्म जो जवान है या पठान है उसको पीछे छोड़ देगी, क्योंकि ये फिल्म अच्छा कलेक्शन कर रही है यार। मतलब कि 800 करोड़ बहुत होता है गाइस, क्योंकि ये फिल्म का बजट मेरे हिसाब से इतना नहीं होगा। फिल्म का बजट आप मान के चलो या तो 10 करोड़ होगा या फिर 15 करोड़ होगा, इतना बजट होगा फिल्म का। तो उससे ज़्यादा दुगना पैसा कमाने वाली ये एनिमल मूवी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा पैसा कमा रही है यार, बहुत हाई लेवल में जा रही है गाइस। तो हो सकता है ये जवान और पठान को पीछे छोड़ सकती है गाइस, 1000 करोड़ तो क्रॉस कर ही सकती है। अभी ये पूरा महीना बचा है, अगर ये मतलब कि मूवी अच्छा कलेक्शन कर रही है ना, जब मैं दूसरी बार मूवी देखने गया था ये एनिमल, तब इसने कलेक्शन किया था कुछ 500 करोड़ कलेक्शन किया था। जब मैं दूसरी बार फिल्म देखने गया था उस टाइम काफ़ी तेजी से इसका ग्रोथ हुई थी फिल्म की, 500 करोड़ उस टाइम कलेक्शन कर दिया था। तो अभी तक इसका 800 करोड़ हो रहा है गाइस। तो अभी क्या हुआ कि बीच में काफ़ी ज़्यादा ब्रेक आ जाते हैं और भी ज़्यादा फिल्में रिलीज होती हैं, तो इसलिए फिर फिल्म को एक ही बार दिखाया जाता है। यहाँ फिर क्या होता है कि जब फिल्म फर्स्ट में रिलीज होती है तो उस टाइम वही फिल्म धड़ाधड़ चलती है भाई साहब, एक दिन में क्या रात को डे को मतलब कि कंटिन्यू चलते रहती है 1 हफ्ता, ठीक है। अगर फिल्म अच्छा पैसा कमा रही है तो, अगर फिल्म मतलब कि ऐसे ये फ्लॉप जा रही है तो वो फिल्म को हटा देते हैं उससे पहले, 1 हफ्ते से पहले फिल्म को फिर हटा देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता उस फिल्म का ना। तो इसलिए भाई साहब पूरे 16 दिन के अंदर एनिमल मूवी ने 800 करोड़ रुपया कवर कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत गुड न्यूज़ है बॉलीवुड का। मतलब कि एक रणवीर कपूर एक्टर जो पहले ऐसी फिल्में देता था बेकार, इमोशनल वाली, रोमांटिक सीन वाली, प्यार वाली, तो आजकल वो एक्शन फिल्में दे रहा है, वो भी फर्स्ट फिल्म जो है मेरे को बहुत अच्छी लगी उसकी एनिमल, तो धमाका कर दिया भाई साहब। अगर मतलब कि आपने एनिमल मूवी नहीं देखी तो आप जाके देख लेना, बैठे मेरे पास फ़ोन में भी है मूवी, बट वो क्या हो गया यूट्यूब में पूरी मूवी आ नहीं रही, रिजेक्ट हो रही है बार बार, इसलिए मैंने 2-3 बार अपलोड की थी पर रिजेक्ट हो रही है, मैंने डिलीट कर दी। तो बस आप सिनेमाघरों पे आप देख लेना, नहीं तो आपको थोड़े दिन में फ़ोनों में भी देखने को मिल जाएगी या फिर अमेजोन में देखने को मिल जाएगी, जियो चैनल पर देखने को आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। दोस्तों मूवी 1 नंबर मस्त है, अच्छा पैसा कमा रही है 16 दिन के अंदर भाई साहब, 800 करोड़ रुपया कवर कर लिया है, और क्या चाहिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, और इससे ज़्यादा क्या करेगी मूवी। पर हो सके जय जवान और पठान को पीछे छोड़ सकती है गाइस, क्योंकि अच्छा काम कर रही है, बिजनेस अच्छा मतलब कि चला हुआ फिल्म का बिजनेस, तगड़ा पैसा कमा रही है फिल्म, ठीक है। तो बस ये मैं आपको यही बताना चाहता था, 16 दिन के अंदर मूवी ने 800 करोड़ रुपया कवर कर लिया है, ठीक है।
आगे देखो कितना कर पाती है कितना नहीं कर पाती, जवान या पठान को पीछे छोड़ पाती है नहीं छोड़ पाती, वो देखेंगे जब उसका असर रिव्यू मिलेगा तो मैं अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा गाइस। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।